दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप Realme 8 स्मार्टफोन यूज करते हैं और जानना चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आप अपने Realme 8 स्मार्टफोन में फिंगर लॉक लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिंगर लॉक लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, बिना ऐप के। इसी में एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग आपको अप्लाई कर देनी होगी और आपका Realme 8 यानी कि लॉक हो जाए, क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंट से लॉक हो जाएगा, आपका फिंगर से ही लॉक हो जाएगा। और आप जिसका भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दो ऐड करना चाहते हैं, तीन ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मैं हूं इस चैनल का होस्ट, आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की जानकारी लेके आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, सभी साथियों को बताते हैं किस तरीके से आप Realme 8 स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से दोस्तों मोबाइल की सेटिंग में आएंगे, मोबाइल की सेटिंग में आएंगे, किस में, Realme 8 मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी के जस्ट ऊपर फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देख लेना है एडिट फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करना है। अब भैया यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब आप कहोगे आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, दोस्तों मेरे पास इतना कोई बजट नहीं है जो मैं दूसरा फ़ोन से कैमरा लगा के आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, तो भाई मैनेज कर लेना, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड इस तरीके से मिल रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पैटर्न है या 4 डिजिट का है, 4 से 16 डिजिट का है, ठीक है, या पासवर्ड है या फिर अल्फाबेट कैरेक्टर मतलब बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, इसी तरीके से नॉर्मल है पासवर्ड, आपको ध्यान होना चाहिए कहीं ना कहीं लिख देना है, नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो इस तरीके से आपको एक रियलमी 8 में और यहाँ पे फिंगरप्रिंट इस तरीके से आपको लगाने होंगे, ठीक है। अगर स्क्रीन ब्लैंक आ रही है दोस्तों तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं दबा दबा के अपने अंगूठे से या अपनी उंगली से किसी को ही लगा सकते हैं, ठीक है। लगा के हटाना है, लगा के हटाना है, ठीक है, आपको लगा के उसे हटाना है। इस तरीके से लगा के हटाते रहेंगे, फिर नेक्स्ट आएगा उसको भी बार बार अपने फिंगरप्रिंट को लगा के इस तरीके से हटाना होगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। अगर ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, डन पे हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से डन करेंगे और इनरोल कर लेंगे, ठीक है। इनरोल करेंगे इस तरीके से, हम बाहर निकलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, आप अपने मोबाइल को एक बार लॉक करेंगे और आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, ठीक है। अब आप उसे हटा भी सकते हो, तो किस तरीके से हटाएंगे, आपको फिर से सेटिंग में जाना है, फिंगरप्रिंट पे इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे इस तरीके से क्लिक करना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको देखना है फिंगर फर्स्ट, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं और भी, ठीक है, और भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, डब्बे वाला आइकन पे यहाँ पे डिलीट करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, अभी पासवर्ड फिंगरप्रिंट हटाए लेकिन पासवर्ड नहीं हटाए, लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे और वही पासवर्ड जो आपने बनाया था वो आपको डाल देना होगा। इस तरीके से टर्न ऑफ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वही पासवर्ड आपको फिर से डाल देना होगा, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे सेट लॉक स्क्रीन और सेट प्राइवेसी पासवर्ड, ये देखो दोनों आ चुके हैं। अब यहाँ पे सेट अगर आ जाए तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक हट चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आसानी से आप सीख गए होंगे, आप अच्छे से अपने Realme 8 स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट लगा पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए Realme 8 स्मार्टफोन में हमने फिंगरप्रिंट लॉक लगा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।